वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने रोटेशनल डायनामिक्स तक के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अब इतना करने के बाद आपको ये मालूम है कि 1/4 ऑफ फिजिक्स आपका हो चुका है। इसका मतलब 180 में से लगभग 45 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब हमारा समय आ गया, अब हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देंगे और प्लस टू के चैप्टर आप साथ साथ रिवाइज कर ही रहे होंगे, लेकिन वो भी मैं थोड़ी देरों में उसके वीडियो भी डालूंगा। आते बात करते ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि छोटी सी मेहनत से इसमें 4 नंबर आपकी जेब में आते हैं। ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके यूज नहीं होते हैं, सिर्फ जो जो यूज होने आपको रिवाइज करा दूं। पहला, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगती है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर फोर्स है। जी की वैल्यू आपको पता है 6.6 × 10⁻¹⁷ है और डायमेंशन है। नीट वाले बच्चों के लिए जो डायमेंशन है कैपिटल जी की, ये कई बार स्ट्रेट अवे डायरेक्टली यूज होती है, इसलिए इसको आप जरूर जरूर रट लें। राइट, अब कुछ प्रॉपर्टी याद रखें कि ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं और मीडियम पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। कंजर्वेटिव फोर्सेज है, ये हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और सेंट्रल फोर्सेज है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेज। आपको जो डायग्राम दिखाया है F21 का F12 का, उसकी लाइन बीच में देखिए, जो आर वाली लाइन है उसी के पैरल F12 और F21 है। सो डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन दोनों बॉडीज के सेंटर को जोड़ने वाली होती है। आइए, अगर हमारे पास जी एम एम बाय आर स्क्वायर की फॉर्मूले में एक कैपिटल एम हम अर्थ को मान लेते हैं और जिस फोर्स से अर्थ उसको खींचती है उसी का नाम वेट होता है, तो स्मॉल जी की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर रहती है। अब अर्थ को एक स्फीयर मान लिया जाता है डेंसिटी और मास निकालने के लिए, लेकिन ये ट्रू नहीं है। लेकिन अगर हम अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान ले यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो उसकी मदद से हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आती है 4πgr/3 ρ। ये मैंने आपको दिखा दिया, हालांकि स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला कम इस्तेमाल होगा। इसी तरह आप अर्थ का मास निकाल सकते हैं इन्हीं फॉर्मूलों पे। आपके काम की क्या बात है, कैपिटल जी एम स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा। कई बार हमें कैपिटल जीएम न देकर, लेकिन जहां जहां कैपिटल जीएम लिखा है वहां पर स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिख करके हम क्वेश्चन किया करते हैं। आइए, डेंसिटी आपके सामने आ गई, मास आपके सामने आ गया, स्मॉल जी आपके सामने आ गया। देखिए, ये तीनों चीजें कई बार पूछी जाती फॉर्मूले में, वैसे इनको आप जब मर्जी चाहें एक मिनट में डिराइव कर सकते हैं। अगली बात आती है जी में वेरिएशन की। आइए, पहली वेरिएशन है हमारे पास हाइट h ऊपर जाकर अर्थ की। आपको पता है अर्थ के ऊपर gm बाय r स्क्वायर है, तो हाइट ऊपर जाने के बाद जो फॉर्मूला आपके पास तैयार होता है, मैंने आपके सामने लिख दिया जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर बन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन यदि हमारे पास इसमें हम बाइनोमियल लगाते हैं, बाइनोमियल हम कब लगाते हैं इसको ध्यान रख लीजिए, जब भी एच की वैल्यू आर के 5% से कम होगी तो हम जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाय आर लगा देंगे। अब 5% से कम की पहचान क्या है, अब आप सुनिए, आपके अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, माने 6400 किलोमीटर। जब तक आपके पास हाइट 100-200 किलोमीटर तक है तब तक यह फॉर्मूला लग सकता है। यदि आपकी हाइट 3000 किलोमीटर हो गई तब यह फॉर्मूला, ये राइट साइड वाला फॉर्मूला तब नहीं लगेगा, तब आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैं बस ये बता रहा हूं, अगर आपको हाइट रेडियस के टर्म में बता दी है कि रेडियस की आधी है, रेडियस के डबल है, उन केस में यह फॉर्मूला है। लेकिन अगर 2-4 किलोमीटर में 100 किलोमीटर बताया जाए तो यह फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होता है। बाइनोमियल लगा के बाकी चीजें इसमें निग्लेक्ट कर दी जाती है। अब डी नीचे, अब डी नीचे में देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमारी एक एजम्पशन है अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, लेकिन हम इसको लेकर चलते हैं। तो इसमें आप ये नहीं है कि इसकी एजम्पशन किसी ने पूछ ली तो आप बता दीजिए, परंतु फॉर्मूला जो इससे डिराइव होगा जी डैश जी वन माइनस डी बाय आर, यह हमेशा ट्रू रहेगा इस एजम्पशन के बाद। और इस एजम्पशन के बिना इस क्वेश्चन को यूज करना, इस इक्वेशन को यूज करना नीट के लेवल्स के अंदर नहीं आता, इसलिए आप स्ट्रेट वे फॉर्मूला रट सकते हैं। अब इन दोनों में आप देखिए, ऊपर वाले फॉर्मूले में 1 − 2h/r है, माने हाइट का डबल, ओके, ये हाइट। नीचे वाले में d बाय आर है, d इज द डेप्थ,
विद इन दी अर्थ, अर्थ के आप कितना गहरा चले गए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको 100 किलोमीटर बोले, 2 किलोमीटर बोले या 2000 किलोमीटर बोले, हर बार ये फॉर्मूला यही का ही लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए जी के ग्राफ के बारे में, हमारे अर्थ दोनों में आप देख सकते हैं एच हाइट अबव और नीचे दोनों केसेस में रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर माने सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है स्मॉल जी की वैल्यू, और सेंटर से लेकर आर तक जाते हुए ये लीनियरली बदलती है, इसलिए ये लाइन है स्ट्रेट लाइन बिटवीन जी एंड आर, और उसके बाद ये पैराबोलिक शेप में वापस आती है इन्फिनिटी पर, फिर जीरो बनेगी, लेकिन अभी ये आर में ऐसे पैराबोलिक 1/r² की फॉर्म में वापस आती है। तो ये कर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार कर्व पर स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब तो हमने बात करी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कैसे काम करती है वगैरह वगैरह, उसकी वेरिएशन। अब बात करते हैं अर्थ के आसपास घूमने वाले सैटेलाइट के ऊपर। देखिए जो सैटेलाइट घुमा करता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मैनमेड होता है और एक नेचुरल होता है। चांद हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन इस बीच में एक शब्द आता है हमारे काम के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। तो जियो स्टेशनरी किसको कहा गया, जियो माने अर्थ, स्टेशनरी माने रुका हुआ। तो अर्थ के कंपैरिजन में जो सैटेलाइट बिल्कुल न मूव करे, आज आप जितने भी सैटेलाइट पकड़ते हैं जिनसे आपका टीवी यूज होता है, कम्युनिकेशन यूज होता है, उन सब में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही यूज होता है। तो जियो सैटेलाइट की क्या खास बात है, पहली खास बात इसका टाइम पीरियड 24 घंटे होना चाहिए, अर्थ के साथ साथ घूमेगा, नंबर एक। दूसरा, अर्थ के साथ साथ सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ वाली चलेगी, यदि कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो 24 घंटे में अर्थ को मिल तो वो जाएगा लेकिन जियो स्टेशनरी नहीं बनेगा। तो जियो स्टेशनरी अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रहना है। अब जो ये सैटेलाइट है इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स यहां पर दिखाई गई है, ये ग्रेविटेशनल का पुल है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये फोर्स लगती है और यही mv² / r के बराबर होती है जो आपके पास इस सैटेलाइट को लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दोनों इक्वेट हम कर दिया करते हैं तो वीओ जिसका नाम ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये देखिए ये आपके पास √gme/r की फॉर्म में आ जाती है। यहां पर r क्या है, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की दूरी, ध्यान दीजिएगा ये gme/re+h है, छोटा r re+h है। अब कई बार आपको अर्थ के बहुत क्लोज बोल देगा तो आप इस h को आप जीरो कर देंगे, वेरी क्लोज टू अर्थ माने h जीरो, तब फॉर्मूला क्या gme/r। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैपिटल जीएमई नहीं दिया होगा, सिर्फ जी आर स्क्वायर दिया होगा, तो आप याद रखिएगा कि जीएमई क्या होता है, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, उसको आपने यूज करना है। ये देखो हमने यहां किया स्मॉल जी आर ई को क्या कर दिया, जी आर ई स्क्वायर। कई तो ये आपस में कन्वर्टिबल वैल्यू है, किसी भी जगह पर माने ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, किसी भी जगह पर ये यूज होता है। और टाइम पीरियड आपको पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केपलर का लॉ आपके काम आएगा, तीन लॉ थे केपलर के आपको याद करा दूं, वैसे आपने सब करे होंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एरियल वेलोसिटी वाला कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और सन के अराउंड सब घूमता है, ये हमारे तीन थे। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अब आज तक हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी वो mgh थी, याद रखिए एक बॉडी को अपनी किसी स्थान से एच हाइट पर ऊपर ले जाने में किया गया काम mgh है, परंतु यदि मेरी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा जी कांस्टेंट नहीं रहेगा स्मॉल जी, इस वजह से अगर जब अर्थ के कंपैरिजन में हाइट में कुछ चीजें ले जाते हैं, हाइट अर्थ के रेडियस के आधी हो गई वगैरह वगैरह, उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm/r और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r+h है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखिए इस कॉन्सेप्ट में हम h=∞ के ऊपर पोटेंशियल जीरो मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जबकि mgh के प्रिंसिपल में हम सरफेस ऑफ अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, लेकिन जो जो हम अर्थ के ऊपर जाते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है। यहां पर फॉर्मूले में देखिए इन्फिनिटी पर जीरो है, अर्थ के अब जितना पास आएंगे वो चीज माइनस होती जाएगी, तो रिलेटिव डिफरेंस वही का वही रहता है, लेकिन फॉर्मूला वाइज याद रखिएगा कई बार mgh
फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है जब जब हमारी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हो। और अब आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी बताई, जीएमएम बाय आर। अगर आपने उतनी ही काइनेटिक एनर्जी सरफेस पर अभी दे दी तो बॉडी अर्थ के इसको क्रॉस कर जाएगी। हम एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जिस बॉडी को आप अर्थ से ऊपर फेंकेंगे, थोड़ी देर तक बॉडी ऊपर जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। जीरो होने तक, यदि जीरो होने से पहले अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए, सुनिए ध्यान से, अगर जीरो होने से पहले अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगी। इसी का नाम एस्केप वेलोसिटी है। आप ध्यान देना, यहां पर वीई की वैल्यू रूट टू जी एम बाई आर आई है और ऑर्बिटल की जी एम बाई आर थी। आर का ध्यान हमेशा रखना है, मैंने यहां पर कैपिटल आर लिखा है, इसका मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। जब भी ये कहीं अर्थ के कितनी हाइट की बात की जाए, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, उस समय आपने उसको आर देखना है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, माने अर्थ के सेंटर से वो बॉडी कितना ऊपर पहुंची है। ये एक बड़ा कॉमन सा है, एस्केप वेलोसिटी अपन ऑर्बिटल की रेशियो रूट टू होती है। रूट टू का मतलब 1.414, इसका मतलब 42% इंक्रीज। तो कई बार 42% इंक्रीज वर्ड दे बोल के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किसी भी समय किसी भी सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवीओ स्क्वायर होती है, पी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमएम बार है और टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर है। ये फॉर्मूले आप हमेशा याद रखें, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम करते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स में भी यही रहता है, और वो रहने का कारण यह है कि माइनस होने का मतलब ये होता है कि बॉडी स्टेबल है। एनर्जी माइनस का मतलब आपको उसको जीरो करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो नेगेटिव टाइम साइन टॉक्स ऑफ स्टेबिलिटी। ये तीनों फॉर्मूले हैं, हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के डबल है और माइनस है। पोटेंशियल काइनेटिक के डबल और माइनस है, इसीलिए जितनी काइनेटिक है उसी में माइनस साइन लगा दीजिए, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाती है हर सरफेस में, राइट। ये केपलर्स के लॉज हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको शॉर्ट में रिवाइज कराए थे। सन फोकस पर है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है। यहां फिर बताऊंगा, ये आर रेडियस ऑफ सैटेलाइट मूव है, इसीलिए इसको आर प्लस एच का होल क्यूब कहा गया है। अब एक सवाल बड़ा कॉमन सा होता है, देखिए एस्केप वेलोसिटी से अगर आपने किसी चीज को फेंका तो बॉडी अर्थ के सरफेस को क्रॉस कर जाएगी। मान लीजिए मैंने एस्केप से कम से फेंका तो कहीं ना कहीं से वापस आ जाएगी, और एस्केप से अधिक से फेंक दिया तो बॉडी एस्केप करने के बाद उसमें वेलोसिटी बच जाएगी। ये सब एनर्जी प्रिंसिपल है। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखा, माइनस जीएमएम बाय आर, ये अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ एम के वी स्क्वायर मैंने कर दिया। मान लीजिए वेलोसिटी हमारे पास के टाइम्स है, के लेस देन वन है, माने वेलोसिटी को मैंने कम से फेंका गया है, उस केस में माइनस जीएमएम बाय आर प्लस एच हाइट से बॉडी वापस आ जाएगी। और अगर के ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो बॉडी बाहर निकलने के बाद उसमें कुछ एनर्जी बच जाएगी, विच इज इस फॉर्मूले से निकलेगी जो आपके सामने बताएंगे। आई प्रेज्यूम ये दोनों चीजें आपको अब क्लियर हो चुकी हैं, इसके न्यूमेरिकल्स। अगले ही वीडियो में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की, जिसमें कि आप क्लियर हो जाए कि पिछले चार वर्षों में कैसे प्रश्न आए हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सेकेंड वीडियो कमिंग वेरी सून।